सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सभी पात्रों का चयन हो चुका है। राम बनेगी हमारी प्राची और वैशाली दीदी बनेगी हमारी सीता। सीते? अरे रे अभी नहीं। लक्ष्मण का पात्र करेगी हमारी कांता और भरत का कुसुम। मनु जी से तुम क्या बनोगी? हम हनुमान जी। पत्मा भानल सेना का है? ये लोग है ना। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली की। हाँ, चलो चलो अब हम सीता के स्वयंवर का अभ्यास आरंभ करते हैं। मान लो ये राजा जनक का दरबार है और ये हमारा धनुष। और प्राची तुम लक्ष्मण के साथ इस जगह पर आ जाना और वैशाली दीदी आप उस पेड़ के पीछे चले जाइए। सीते तुम अभी से मेरे पास क्यों खड़ी हो? अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ। सभी बैठ जाओ। प्राची चलो चलो अभ्यास आरंभ किया जाए। हाँ है धनुष, हम अभी तोड़ देते हैं। सीता सीता कहाँ रह गई? हम आ गए। सीता हम हैं। सीते सीते लाओ, देखो मैंने धनुष तोड़ दिया। नहीं सीता हम हैं। इंदु दीदी आप कैसे सीता बन सकती हो? सीता तो वैशाली दीदी है। इंदु दीदी आप काम करो, तुम हाँ तुम सुमना का बन जाओ। तो चुप, मैं ही सीता बनूंगी। लेकिन इंदु दीदी सीता का पात्र तो वैशाली दीदी कर रही है, आप कोई दूसरा पात्र कर लीजिए। नहीं हम सब जानते हैं, तुमने ये सब जानबूझ के किया है। नहीं नहीं इंदु दीदी हमें कुछ मालूम ही नहीं था। तुम्हें सब मालूम है, सदा तुम हमारा हृदय तोड़ने का अवसर ढूंढती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं इंदु दीदी। इसे बात मत करो, चलिए नाना भाऊ। क्या हुआ? इसे जानबूझ के हमें सीता का पात्र नहीं दिया। तो क्या हुआ, तुम पहले आती तो तुम्हें मिल जाता, वो पहले से अभ्यास कर रही है। तुम ऐसा करो, तुम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का पात्र करो, वो भी सीता से किसी रूप में कम नहीं है। हाँ इंदु दीदी आप उर्मिला का पात्र कर लीजिए। तुम्हें पता है सीता तो राम जी के साथ वनवास में थी, लेकिन उर्मिला ने 14 वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा की है। वो पीड़ा तुम अपने अभिनय में बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकती हो। सच पूछो तो इस लीला में सबसे महत्वपूर्ण पात्र उर्मिला का है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। जनक तुम अपने संवाद बोलो। हे सीते, श्री राम ने तुम्हें स्वयंवर में जीत लिया है, अब श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उसे वरमाला पहनाइए। राम तुम भी डालो ना। मनु दीदी ये सीते तो बहुत लंबी है, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता, तुम फैला दो ना। हक है हक यही है, हक है हक है हक यही है, हक है। गुंचे है दिल गिरफ्तार, गुलों के जिगर है चाक, करती है बुलबुले यही फरियाद दर्दनाक। सबके लिए एक रोज ये तकलीफ धरी है, उस पर भी ये गफलत है, अजब बेखबरी है। जो मर गया है अब भी जिए जा रहा है, सुन सबके जिगर का खून पिए जा रहा है, सुन। लंकेश्वर है आज भी गोरों के भेष में, जुल्मो सितम का दौर है, दहशत है देश में। फिरता है दर बदर ये मलंग सोगवार, सुन। मनु दीदी
देखो मैंने सीता को माला पहना दी। बस बस अब सीता स्वयंवर हो गए ना, तो हम रावण के वध का अभ्यास करेंगे। लेकिन क्यों मनु, अभी अभी तो सीता विवाह खत्म हुआ है और रावण वध इतने जल्दी? क्योंकि अब रावण के वध का समय आ गया है। कौन से रावण का मनु? आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से, प्यारा पतन हमारा। ये तो क्रांति गुरु कहता है। क्रांति गुरु की पंक्तियाँ? हाँ कांता, वो हम सबके दिल की बात कहता है। जिस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी प्रकार फिरंगियों ने हमारी धरती माँ का अपहरण किया है। इसलिए हम सबको राम बनना होगा, ताकि हम अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों से आजाद कर पाए। अरे ये तो वही चूड़ियां हैं जिसके टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले थे। इसका मतलब क्रांति गुरु कहीं मनु भाई? इतना विश्वास है कैसे कह सकते हो कि मनु भाई ही क्रांति गुरु है? साहब ये देखिए, ये चूड़ियों के टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले। लेकिन ये चूड़ियों के टुकड़े मनु के ही है, इसका क्या प्रूफ है? सरकार इसका कोई साक्ष्य तो नहीं, पर मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, मनु ने ऐसी ही चूड़ियां पहन रखी हैं। नो ड्रुपद, बिना प्रूफ के ये बात बाजीराव को बोलेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट टाइम वो फ्लैग वाली बात पर भी ऐसा हुआ था। Have to come up with a plan. इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि मानव भाई अगर क्रांति गुरु है तो बचकर भाग नहीं पाएगी। रुपये तुम्हें काम कर, रात को बाजीराव के महल के बाहर फेरे देना। Understand? जी सरकार। You are finished, Manubhai. सबसे पहले तुम्हें युद्ध कला सीखनी होगी, जिससे हम रावण का वध करेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम धनुष द्वारा तीर चलाएंगे। पर मनु दीदी हम भी? हाँ हाँ सब कोई। पर मनु दीदी मैं तो तुम्हारे तीर से भी छोटी हूँ, मैं कैसे चलाऊंगी? प्राची तुम तो राम हो ना, और जानती हो राम के पुत्र लव और कुश जो कि तुमसे भी छोटे थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रोक लिया था और पूरी सेना को हरा दिया। तो फिर मैं भी रावण की सेना को हराऊंगी और मैं सीता भी तीर चलाने। नहीं नहीं हम कैसे तीर चलाएंगे? नहीं नहीं वैशाली दीदी, आपको तो सीखना होगा। आज के रावण को मारने के लिए सीता अवश्य तीर चलाना सीखेगी। परंतु हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं वैशाली दीदी, हम है ना नाना भाऊ भी सिखाएंगे। क्यों नाना भाऊ? नाना भाऊ आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आइए ना हमारी सीता को सिखाइए। नहीं नहीं हाँ क्यों नहीं। नाना भाऊ मैं सीता को तीर चलाना सिखाओ। Thank you.
चलिए अभ्यास करते हैं। आपने तो हमें एक तारा बजाना सिखाया नहीं, लेकिन हम आपको तीर चलाना अवश्य सिखा देंगे। चलिए जी। तीर चलाने के लिए धनुष की आवश्यकता होती है।